पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आकाश, इस पैकेट के बारे में ही मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। ये तो मम्मी जी के रूम में मिली ना मुझे। संजय, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इस पल्लवी से निपटना पड़ेगा। रुक, अब तुझे दिखाती हूँ कुसुम ने कितने डेली सूप्स देखे। ये बात किसी और को मत बताना। नहीं, नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा पल्लवी, ये बात। और दीदी, 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 बस यही सुनना बाकी रह गया था। क्या हुआ कुसुम? वो कहते ना, नंग बड़े परमेश्वर छोटे, वो हाल हो गया है। बस उनके सामने हाथ जोड़े रहो वरना वो बदनाम करके रख देगी। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो बाहर के तमाशे के बाद कि वो सब मैंने किया। मैंने, मैं ये करूंगी, मैंने किया ये सब। यहाँ यहाँ आग लगा दो, बैठकर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ मैं। चाची जी, मैंने आपको कब कुछ कहा? क्यों, तू अभी इसके कान नहीं भर रही थी कि प्रशांत में भंग मैंने मिलाई? खा अपने बाप की कसम और बोल। चाची जी, आप ये क्या बोल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा पल्लवी मुझे ये बोल रही थी कि अब से इस मैटर में कोई बात नहीं करेगा। मानती हूँ आकाश, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर पल्लवी को बात दबानी थी तो दबा देती, तुझसे डिस्कशन क्यों की? इसका तो मतलब साफ है, अपना नाम क्लियर करने के लिए दूसरे का नाम लगा दो और फिर बोल दो इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों डिस्कशन नहीं करेंगे? ताकि झूठ सामने ना आ जाए। शाबाश दीदी, एक ही नल का पानी पिया है हमने, आज अपने साबित कर ही दिया। आपसे यही उम्मीद थी दीदी कि कम से कम आप सच साफ देख पाओगी। इसका मतलब ये हुआ कि शिवजी के अभिषेक में जो तुमने सबसे माफी मांगी वो सब नाटक था। मॉम, ऐसा देखिए, आप लोग का घर का मामला है, मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन इसमें पल्लवी भी शामिल है तो एक बार उसकी जबानी तो सुन लीजिए। मुझे वैसे वो भांग का पैकेट बाथरूम में मिला था और संध्या ने पल्लवी को बताया कि ये पैकेट उसे कुसुम जी की अलमारी से मिला। पापा सही कह रहे हैं, ये बात संध्या भाभी ने पल्लवी को खुद बताई थी कि उन्हें ये भांग का पैकेट चाची की अलमारी से मिला था। ठीक है जयदेव जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि पल्लवी झूठ नहीं बोल रही है तो बात को अभी साफ कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। रवि, संध्या को बुलाओ अभी। जी दाई जी। रवि, क्यों दीदी, मतलब क्यों संध्या को खाम खा इस बीच में घसीटना? क्या हुआ ताई जी? संध्या, डरना मत, सच सच बताओ तुम्हें ये पैकेट कहाँ मिला? कुसुम के रूम में? बोलो संध्या। बोलो। वो कुछ पक्का नहीं है मुझे, याद भी नहीं है, हो सकते बाहर से आ गया हो। मैं बाहर से पॉट भी लेकर आई थी ना बहुत सारे, तो उनके साथ ही मैं एक पैकेट उठा लाई होंगी। मेरे ख्याल से संध्या भाभी इज राइट, शायद मुझसे समझने में गलती हो गई होगी। आई एम सॉरी चाची जी, मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्लियर हो गया आकाश? पल्लवी के बनाए हुए प्रसाद में कुसुम ने कुछ नहीं मिलाया था। मम्मी, माँ,
मुझे पता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। सही मायने में तुम्हें घर संभालना आ गया है। सो प्राउड ऑफ यू बेटे, सो प्राउड ऑफ यू। वो मेरी सच बता दो मुझे और कुछ नहीं जानना है। तन्नु को सब सच बता देना चाहिए। तन्नु, अच्छा हुआ कि उन्हें खुद ही पूछ लिया। तन्नु, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। वो उस दिन ऑफिस की पार्टी पापा हंस गई ना। तन्वी, तुम तो कह रहे थे ये बुद्धू नहीं बनेगी, लेकिन ये तो बन गई। अब सच बता दूं? सुनो, उस रात इनकी ऑफिस की पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर का चैलेंज हुआ, जिसमें इनको बोला गया कि इनकी बीवी चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी शर्ट पे अगर लिपस्टिक का दाग देखेगी ना तो शक जरूर करेगी, लाइक एनी अदर हाउसवाइफ। लेकिन राकेश जी को पूरा विश्वास था कि मेरी तन्वी तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो राकेश, हार गए ना शर्त। क्या यार तन्वी, तुमने उसे शर्त हरा दी। हाँ हाँ तन्वी, वो मैं तुम्हें यही बताने वाला था कि ऑफिस की पार्टी में शर्त लग गई थी। I'm sorry। भाभी, भाभी इतना मत सोचिए प्लीज। आई अंडरस्टैंड। आइए आप बैठिए मेरे साथ, चलिए बैठिए। भाभी मत सोचिए ना इतना। पर मैं समझती हूँ भाभी कि आपने सबके सामने सच क्यों नहीं बताया। आपकी जगह होती ना मैं यही करती जो आपने किया है। सच्ची पल्लवी, बस भाभी अब रोना बंद करिए। आपको पता है आपने कुछ ना कह के भी कितना कुछ कह दिया। सोचिए, रोना बंद करिए और बिल्कुल मत सोचिए इस बारे में। आज तो बाल बाल बच गए। चलो जल्दी से फेंको इस भांग के पैकेट को। चाची जी, स्माइल प्लीज। क्या ये क्या कर रही तू? मुझ पे नजर रख रही हो? चाची जी, आप और आपका प्यारा सा ये पैकेट एक साथ मिल गए तो सोचा कैद कर लो, अच्छा है ना? ये क्या करेगी तू इसका? बस आपको बता रही हूँ चाची जी कि मैं जानती हूँ आज प्रसाद के साथ क्या हुआ था और किसने किया था। घबराइए मत, ये वीडियो मैं किसी को दिखाने नहीं वाली। डिलीट कर दी, ये देखिए, दिस इज डिलीटेड। चाची जी, ना ये बात मैं पहले किसी को बताना चाहती। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।